कभी खुशी कभी गम होता है, तालियां वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। उत्तर प्रदेश के बनारस का रहने वाला हूँ, यहाँ एंटी रोमियो लग गया मंत्री जी, इसलिए आजकल दिल्ली में रहना पड़ता है। जब हमने योगी जी से पूछा आपने ऐसा क्यों किया, तो बोले बेटा जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं उठा पाए वो तुम्हें कैसे उठाने देगा। ताली वाली आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। विद्या मित्रम प्रवासेसु, भार्या मित्रम गृहेसु च, व्याधितस्यो सदम मित्रम, धर्मो मित्रम मृतस्य च। हम और आप बहुत बड़े सौभाग्य, बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे बीच में आदरणीय मंत्री जी हैं, पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी जी का भव्य संचालन। तो मैं आप सबके बीच में, होली का त्योहार चल रहा है, पिछले बार जब होली का त्योहार था तो 3 देश के लोग बैठे हुए थे मंत्री जी, एक पाकिस्तान के थे, एक चीन के थे और एक हिंदुस्तान के थे। तीनों लोग बैठ के ठंडई पी रहे थे, तो पाकिस्तान वाले भाई साहब ने ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उस ग्लास पे गोली चला दी, बोला जिस ग्लास में हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। दूसरी बार ये पाकिस्तान वाले भाई साहब की, उसने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और कुर्सी तोड़ दी, बोला जिस कुर्सी पे हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसमें दोबारा नहीं पीते। तीसरी बार आई हिंदुस्तान वाले भाई साहब की, उसमें से भी बनारस के भाई साहब थे, उन्होंने भी ग्लास की ठंडई को पिया, ग्लास को हवा में उछाला और उन दोनों को गोली मार दी, बोला जिसके साथ हम एक बार बैठ के पी लेते हैं उसके साथ दोबारा नहीं पीते, आप तो बनारस वाले लोग हैं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब। मैं कुछ श्रृंगार की पंक्तियां आप सबके बीच में निवेदित करूंगा, सुनिएगा। पहली 4 पंक्तियां मैं निवेदित करता हूं, सुनिए। कि तेरे होठों पे कंप कपाहट है, तेरे होठों पे कंप कपाहट है, मेरी आंखों में छटपटाहट है, मेरी आंखों में छटपटाहट है, कोई नेटवर्क मिल नहीं पाया इसलिए प्यार में रुकावट है, इसलिए प्यार में रुकावट है। प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आपकी तालियां मिलती रहें। मैं और 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि चाहते हो कि प्यार हो जाए, चाहते हो कि प्यार हो जाए, दिल मेरा बेकरार हो जाए, दिल मेरा बेकरार हो जाए, रोज घुट घुट के क्यों मरे हम भी, आज ही यार पार हो जाए, आज ही यार पार हो जाए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार पति पत्नी बैठे हुए थे, तो पत्नी ने बोला कि ये जी वो बात पूछी, तो पति ने बोला हाँ पूछो। पत्नी ने बोला कि ये बताइए, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है, तो पति ने बोला हाँ, जब आदमी लोग मरते हैं और स्वर्ग में जाते हैं तो उन्हें अप्सरा मिलती है। तो पत्नी ने कहा कि फिर हम लोग को क्या मिलता हो, हम लोग को क्या मिलता होगा, तो पति ने कहा कि तुम लोग को बंदर मिलता है। तो पत्नी ने कहा कि ये जी आप ही लोग का अच्छा है ना, कि यहाँ भी अप्सरा पाए हैं, ऊपर भी अप्सरा मिलेगी, हमको देखिए यहाँ भी बानर पाए हैं, ऊपर भी बानर मिलेगी। एक बार ताली वाली बजा दें आपको। बहुत अच्छा, कुछ पत्नियां भाभियां शांत बैठी हुई हैं। मैं पुरुषों को बता देना चाहता हूं कि जिनकी पत्नियां जिनकी भाभियां बहुत शांत होती हैं उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है, क्योंकि उच्च क्वालिटी की रिवॉल्वर में ही साइलेंसर लगा होता है। तो ताली वाली बजा दें एक बार भरपूर आप लोग। मैं और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। कि कैसे कह दूं लगाव होगा ही, कैसे कह दूं लगाव होगा ही, प्यार में कुछ तनाव होगा ही, प्यार में कुछ तनाव होगा ही, भूल भी जाओगे मुझे लेकिन कुछ तो मेरा प्रभाव होगा ही, कुछ तो मेरा प्रभाव होगा ही। बहुत अच्छा, आप लोग का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है। मैं एक राम मंदिर पे कविता जो मैंने लिखी है आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति है, मैं वो कविता आप सबके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। हमारे बीच में तमाम बड़े अंतर्राष्ट्रीय कवि बैठे हुए हैं, सबको सुनाना है, पढ़िए। मैं एक कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि राम ही है आधार हमारे, राम सभी के प्यारे हैं, राम ही है आधार हमारे, राम सभी के प्यारे हैं, भव सागर जो पार कराकर करते हमें किनारे हैं, राम ही है आधार हमारे, राम सभी के प्यारे हैं, भव सागर जो पार कराकर करते हमें किनारे हैं, शौर्य ऊर्जा के परिचायक राम ही असली नायक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो रक्षक वही हमारे हैं, राम के ऊपर कोई टिप्पणी करने वाला पापी है
जीने का अधिकार न उसको आजीवन अभिशापी है, जीने का अधिकार न उसको आजीवन अभिशापी है। कि राम के हम अनुयायी है तो ये कर्तव्य हमारे हैं, राम के हम अनुयायी है तो ये कर्तव्य हमारे हैं। उनका मंदिर भव्य बनाए जो प्राणों से प्यारे हैं, उनका मंदिर भव्य बनाए जो प्राणों से प्यारे हैं। और नए सिरे से राम कहानी फिर दोहराई जाएगी, नए सिरे से राम कहानी फिर दोहराई जाएगी। अवधपुरी की शाम सुहानी फिर से अब हो जाएगी, और जब मंदिर बनकर के ऊंचे आसमान तक जाएगा, सुनिएगा आप सब, आपकी तालियां मिले, कि जब मंदिर बनकर के ऊंचे आसमान तक जाएगा, राम नाम का ध्वज फिर पूरी दुनिया में लहराएगा, फिर कोई सीता को हरने रावण कभी ना आएगा, फिर कोई सीता को हरने रावण कभी ना आएगा। आया भी तो राम के हाथों निश्चित मारा जाएगा, आया भी तो राम के हाथों निश्चित मारा जाएगा। लिए आरती, लिए आरती, कैसा दिन था, कि लिए आरती हाथ खड़े ये सूरज चांद सितारे हैं, लिए आरती हाथ खड़े ये सूरज चांद सितारे हैं। जैसे 14 वर्ष बाद फिर राजा राम पधारे हैं, जैसे 14 वर्ष बाद और राजा राम पधारे हैं। कि राम की तेज गति से बहती कहती सरयू के जलधारे हैं, तेज गति से बहती कहती सरयू के जलधारे हैं। राम आपके चरणों में तो सब कुछ वारे न्यारे हैं, राम आपके चरणों में तो सब कुछ वारे न्यारे हैं। और राम आपकी यश गाथाएं सदियों तक हम गाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए वाली रीत निभाएंगे, प्राण जाए पर वचन न जाए वाली रीत निभाएंगे। बहुत बहुत आभार।